हेलो एंड हाय व्यूअर्स, मैं हूं उफ टीवी का ब्यूरो चीफ और आप तमाम देखने वालों को वेलकम करता हूं। आज हमारे पास दो ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे जिन बहुत प्यार करते हैं और पूरी कौम भी बहुत प्यार करती हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आगे मुल्क का क्या होगा। और हमारे साथ एक और मशहूर हस्ती मौजूद है लाइन पर कराची स्टूडियो से, जनाब अंकल अर्देशीर कावस जी। तो दोस्तों, सबसे पहले मिलते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से। कैसे हैं आप लोग? हमारी डिग्री जाली नहीं है, हमारी डिग्री जाली नहीं है, हमारी डिग्री जाली नहीं है। देखिए, मैं कब कह रहा हूं कि आपकी डिग्री जाली है? आप नहीं कह रहे तो क्या हुआ? सारी आवाम यही कह रही है, जैसे दूसरों की डिग्री जाली है वैसी हमारी डिग्री भी जाली है। क्यों डैड? शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बात की। अगर ऐसी बातें करते रहे तो मेरी तरह एक दिन जरूर आगे आओगे। डैड, आगे आने की बात नहीं किया करें, आप मुझे दुआ मत दिया करें आगे आने के लिए। वो क्यों मेरे चंदा? कल आपकी इस दुआ की वजह से मैं ट्रक के आगे आते थे बचे हूँ। खैर अंकल अंकल कावस जी, आप क्या कहते हैं इस जाली डिग्री के बारे में? हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि कहीं डिग्री सही होती है तो बंदे जाली होते हैं, कहीं बंदे जाली होते हैं तो डिग्री सही होती है। तो बहरहाल इनकी डिग्री सही है। अच्छा सरदारी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने सबसे ज्यादा दौरे कहाँ के किए? जेल के? देखिए, मैं मुल्की दौरों की बात कर रहा हूँ। बताओ मेरे चंदा। मुल्की दौरों में सबसे ज्यादा डैडी ने जो दौरे किए हैं वो किए हैं घड़ीशाओ के। घड़ीशाओ? इतना नहीं पता कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है कि घड़ीशाओ शहर है, मुल्क नहीं है? अरे अंकल देखे, आप मुझसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं? क्यों बदतमीजी ना करूं, तमीज से बात करूं तुझसे? कम ऑन अंकल कावस, तू क्या इस्लामिक का टीचर है? बातें करता था, बैठ चुपचाप करके इधर बात अभी। इजी इजी, रिलैक्स कावस, टेक अ चिल पिल, कम ऑन, इजी करवाओ भी ऐसे। अच्छा जरदारी साहब, मुझे जेल से याद आया कि आप जब वहां पे बीमार हो गए थे तो सुना है कि अदाकारा नूर आपसे वहां पे इयादत के लिए आती थी। तभी तो कहूं है कि जनाब के चेहरे पे नूर कितना है। अरे भैया, तुम्हारे चेहरे पे तो इतना नूर है कि सैयद नूर भी नूर लेने तुम्हारे बाहर आता होगा। अरे नहीं, मैं चुप पेपर कहना पड़ता हूँ उसे कटाई कर। सुनिए मेरी बात, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हम आपको बताते चले कि हमारा नारा है रोटी कपड़ा और मकान। तो ये नूर को ये नारा बहुत अच्छा लगता है और उनको ये पसंद है, रोटी और कपड़ा। अरे चुप करो, रोटी कपड़ा और मकान अभी लगा दो। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान नारा लगा दिया। रोटी कपड़ा और मकान दोगे या लोगे ये नहीं बता रहे, बड़े चुप करके तमीज दिखाता है। समझ जाए अंकल आप। डैड ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, ये कायदे आजम के साथ होते थे तो आप भी तो वजीर आजम के साथ होते हैं। बस यही तो बातें हैं हमारी, आजम के साथ होते हैं ये, बातें करवा लो इनसे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या करते हैं जरदारी साहब, हमने सुना है कि आपने अपने जिस्म के सारे बॉडी पार्ट डोनेट कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, एक पार्ट छोड़ के। पार्ट कौन सा? दिल का। अच्छा। क्योंकि उस दिल के अंदर यादें वाबस्ता हैं। किसकी? पापा को शिरडी रहमान जब से सियासत छोड़ के गई हैं बहुत याद आती है, पापा बहुत मिस करते हैं उनको। एक बात सुनो, किसी को मिस करो या ना करो, अपना हीरो इनसे ये पूछो कि दे दो सारे पार्ट जिसको देने दे दो, लेकिन बराए करम अपना दिमाग किसी को मत देना, वरना सामने वाले के दिमाग में 24 घंटे तकरीब कारी रहेगी। अच्छा बिलावल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि कुछ दिनों पहले आपने पार्क टावर से लाखों रुपए की दोस्तों के साथ शॉपिंग की। आपको किसने बताया ये? किसने क्या बताया ये? हमें पता ही है किसने क्या बताया। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि तुम वहां गए क्यों जब तुम्हें पता है वो पार्क टावर है? डैड ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आपके सामने? बेटा ये कायदे आजम के साथ होते हैं। डैड ये काम करें, आप भी 1,000 रुपए लें, आप भी कायदे आजम के साथ हैं, अब बोले आप। अरे ये क्या बोलेंगे हमारे सामने है? हमने पता नहीं कितना बोला अपनी जिंदगी में, सीधा के बैठिए भाई भाई, मूंगफली के खराब दाने। चुप, किसको कहा ये आपने? तुमको कहा, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? तुम्हें कह रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे हैं इधर। अच्छा जरदारी साहब, आप ये बताइएगा कि आप फिल्में देखते हैं? नहीं फिल्में हम देखते नहीं। हाँ फिल्में हम करते हैं। फिल्म करते हैं आप?
तो कौन सी फिल्म को देख के फिल्म किया आपने? हमें सबसे ज्यादा बादशाह फिल्म बहुत पसंद है। अच्छा, शाहरुख खान की? जी बिल्कुल। तो उसमें आपको क्या पसंद आया? उसकी स्टोरी हमें काफी अच्छी लगी। अच्छी स्टोरी, डाइट को उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बड़ी चंगी है। और अपना बेवकूफ मुझे जो ना फिल्म में जो चश्मा लगाया ना शाहरुख खान ने, वो बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से इस चश्मे की इनको बहुत जरूरत है। बिलावल, आप मुझे ये बताइएगा कि कुछ दिनों पहले आपकी इंटरनेट पे तस्वीरें छपी थी, आप खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? वो लड़कियां जो है वो मेरी क्लास टीचर्स हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, लड़कियां क्लास टीचर है? मैंने खुद देखा उस पर तुम लड़कियों के साथ डांस वानस कर रहे हो। अब क्या मुल्क की सियासत डांस कर करके करना चाहते हो? बातें करते हो क्या? अस्सलाम वालेकुम खवातीन और औलाद, मैं आ गया, अब मैं इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करूंगा, करप्शन खत्म करूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा, ऐसा खत्म करूंगा। डैड, आप मेरे कैसे डैडी? बुढ़ापे में ऐसा होता है, और वैसे भी ये कायदे आजम के साथ होते थे। आप मेरे जरा से भी डैड नहीं लगते। सही कह रहा बच्चा, तुम्हारे तुम बिगाड़ रहे हो, तुम इसका कैसे कैसे आपने लोग बुला के रखे हैं? अरे भाई, जब सब साथ खड़े हो तो तुम इसके कम अमीन फहीम के अब्बू ज्यादा लग रहे होते हो। बातें करते हैं। अच्छा, दहशतगर्दी, दहशतगर्दी किसकी वजह से होती है? डैड की वजह से होती है। क्यों कह रहे हो बेटा? डैड मैं नहीं कह रहा, हवाम कह रही है। अच्छा छोड़े, सदा साहब मुझे बताएं मुल्क का फंड कहाँ जा रहा है? डैड की जेब में जा रहा है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, अवाम कह रही है। क्या कह रहे हो? अवाम कह रही है डैड। आगे मुल्क का क्या होगा? असल में मुल्क जो है हमारा बिलावल संभालेगा, और इसकी अभी ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग जारी है? ये क्या कोई देखे, मैं आप जैसे जबान दराज लोगों के लिए मैंने पार्टी में बंदे रखे हुए हैं। कौन? मैं अभी फैसल रजाबी को फोन करके बुला फैसल रजाबी को कॉल मत करना, वो आधे घंटे का शो है हमारा, वो दो घंटे बोलता है। इतने भरम क्यों करा रहे मेरे को? ये मेरे को कराची से बैठ के भरम करा रहे डैड। बोलता है फोन करो, फोन मिला जाओ। नहीं 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 नहीं, अभी तो हमको कावड़ जी को भरम दे रहे हो ना, ये जो दे रहे ना भरम भी हो रहा। हाँ भाई, अब तू भरम दे रहे ना, अब एक काम कर, आंख बंद कर, और मैं भी वही आ रहा हूँ तेरे पास। तुम आ ही नहीं सकता हमारे पास, तुम तो कराची में बैठा हुआ है। अभी अपनी आंखें बंद कर, मैं दो मिनट में आकर तेरा गला डाल। अरे जाओ अंकल, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम कहाँ गया?